तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब लेक्चर नंबर 3। ये कॉलोनी फॉर एडवांस बैच के लिए, मेंस और सीटी बैच के लिए नहीं है। जैसे कंडीशन फॉर टेंजेंसी एंड नॉर्मल, मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे कि फाइंड कंडीशन लाइन इज नॉर्मल टू द कर्व, ऐसी क्या करते हो, क्या लाइन के अंदर आपको क्या क्या अननोन है, एम और सी। तो बेसिकली एम और सी में रिलेशन बताना है जिसके लिए ये इसकी नॉर्मल है। तो मैंने इसके 3 सिंपल स्टेप बताए हैं कि आप कर्व का कोई पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान लीजिए। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आप ऐसे भी मान सकते हैं, मान लो एक्स को तुमने मान लिया ए, एक्स को क्या सॉरी अब वाई को क्या मान लिया आपने, ए मान लिया, वाई बराबर क्या मान लिया ए। तुम्हारा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 8/a2। आप इस तरह से मान सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो हमने जैसे तरीके से चलना, तो लेट हमने कोई पॉइंट ए मान लिया, जैसे अभी मैंने बताया वाई को ए माना, तो एक्स क्या हो गया 8/a2। इसको करने का तरीका मैंने पहले भी बताया था, वाई स्क्वायर को उधर लेके जाइए -2 पावर, तो एक्स की पावर -2 आ जाएगी और वाई की पावर 1, और 8 को आप मैनिपुलेट इस तरह से करिए कि वो उसे सेटिस्फाई करे। और नॉर्मल की बात कर रहा है तो उसका स्लोप निकालना पड़ेगा, तो एक्स का ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2 वाई इंटू वाई डैश बराबर 0। तो वाई डैश बराबर कितना आएगा, ये आएगा माइनस माइनस वाई अपॉन 2x, वाई ऊपर नीचे कट कर दिया है। तो ये वैल्यू आगे देखें तो माइनस वाई की जगह ए, एक्स की जगह आ जाएगा 16 इंटू ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया वाई डैश बराबर हो गया माइनस ए क्यू अपॉन 16। ठीक है, चलो तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्लियर है। चलो अगर मैं बात करूँ कि लिखा, फिर दूसरा स्टेप है मेरा नॉर्मल ऑफ इक्वेशन। नॉर्मल तो नॉर्मल मुझे नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल के लिए क्या आएगा, y माइनस वाई वन की वैल्यू a बराबर, स्लोप मुझे नॉर्मल के लिए चाहिए तो वो आएगी 16/a³। तो यहाँ पर पॉइंट आएगा x माइनस 8/a² तो यहाँ पर a वो पॉइंट है जो मैंने माना है, मुझे m और c में रिलेशन चाहिए। स्टेप 3 था कंपेयर इक्वेशन विद गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर करिए, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं y बराबर, अगर मैं ए को इधर ले आऊँ तो प्लस का ए हो जाएगा और प्लस 16/a³ एक्स हो जाएगा माइनस 8/a⁵ हो जाएगा, जिसे मुझे कंपेयर करना है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के साथ। तो वाई की वैल्यू तो दोनों जगह सेम ही है, तो एक्स और सी में हम इक्वेशन बनाएंगे, तो वाई तो दोनों जगह सेम है तो बना दें दो सेम। तो अगर कंपेयर करें तो ये आएगा 16/a³, तो ये 1 बराबर वाई वाई के कोफिशिएंट का रेशियो कितना है, 1 बराबर 16/a³ इंटू एम प्लस, यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ से आएगा ए माइनस 8/a⁵ अपॉन सी। यहाँ से मैं बात करूँ कि मेरे ए की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहाँ से ए क्यू बराबर आ रहा है 16/m, क्योंकि मुझे ए को गायब करना है क्योंकि एम और सी में आंसर निकालना है, सॉरी बराबर। तो क्या होगा यहाँ से 1, और इसको अगर कंपेयर करें तो सी बराबर आ रहा है कितना, ए माइनस, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए की पावर 6 माइनस 8 अपॉन अपॉन ए की पावर 5, तो सी बराबर ए क्यू की वैल्यू वहां से कॉपी पेस्ट मारेंगे तो कितना आएगा 256 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 8 अपॉन ए की पावर 5 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो ए की पावर 5 कितना होगा, तो निकालना पड़ेगा ये। तो ये मेरे साथ आएगा 16/m⁵/3, कुछ ऐसा रिलेशन आएगा जो सी और एम में रिलेशन है। तो बेसिकली जो सी और एम में रिलेशन होता है, यही हमारी कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी या टेंजेंटी होती है, इसे नोट करिए। चलो हमने दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए, एक एक करके और क्वेश्चन भी डिस्कस करें। क्वेश्चन 1, प्रूव दैट इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट टू द कर्व, कुछ भी दिया है, बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जैसे कोई भी कर्व है, ये मान लो कर्व है और इस कर्व पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ, ये कर्व को थोड़ा सा पास लेके आते हैं, ये कोई कर्व है, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये पोर्शन है, ये वाला ये लेंथ, किसी भी पॉइंट पे ये एक कांस्टेंट नंबर है, ये हमें बताना है। तो हमने क्या किया, इस कर्व पर जनरल पॉइंट मान ले ए कॉस क्यू थीटा माइनस ए साइन क्यू थीटा। तो लेक्चर 2 में हमने बताया था कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, वहां से आप देख सकते हो। इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया तो वाई डैश बराबर निकल के आ गया -10 थीटा, आप निकाल के देख सकते हो एक्स
किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो मैंने अब इसके बाद मैंने यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, तो टेंजेंट वाई माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, उससे टेंजेंट लिखी है। तो जब हम एक्स इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो वाई बराबर कितना होता है, जीरो। तो जीरो माइनस समथिंग बराबर दिस, माइनस से माइनस कैंसिल, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस, साइन से एक साइन कैंसिल होगा, कॉस मल्टीप्लाई, और ये इधर आ गया। तो इस तरह से हमारा एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा ए कॉस थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होते हैं। सिंपली वाई इंटरसेप्ट के लिए मैंने एक्स को जीरो डाला तो पता चला ये वाली जो ये लेंथ है वो ए साइन थीटा निकल के आ रही है, और ये जो लेंथ है वो ए कॉस थीटा निकल के आ रही है। तो ये लेंथ को अगर मैं एल मान लूँ तो बोला इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्स, तो एल बराबर निकल के आएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो बाहर ए आ जाएगा और रूट के अंदर बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो कि वन होता है, तो एल ए जो कि एक कॉन्स्टेंट नंबर है। क्लियर है? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन टू एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतना। चलो क्वेश्चन टू एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन टू बिल्कुल पहले की तरह सिमिलर ही है, लेकिन इस बार लेंथ ना पूछ के ऐसा बोला कि इसका एरिया कांस्टेंट होगा, ऐसा बताओ। तो एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर पर मैंने जनरली अपनी तरफ से एक्स को टी मान लिया, तो एक्स को टी तो बाई हो गया सी स्क्वायर बाई टी। आप चाहे तो जो मैंने लिखाए थे सी टी कॉमा सी बाई टी वो वहां से भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएंगे। एक्स वाई का डिफरेंशिएशन किया तो वन इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश बराबर जीरो, तो मेरी यहाँ से स्लोप आ गई माइनस सी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो ये मैंने टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी है, मैंने ये मैंने जो लिखी है वो टेंजेंट है। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को जीरो डाला तो एक्स की वैल्यू आ गई, अगली बार एक्स को जीरो डाला तो मेरी वाई की वैल्यू आ गई है। तो आपको पता है कि जैसे मान लो ये कोई टेंजेंट है किसी भी कर्व पर एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर पर, तो ये अगर एक्स है ये वाई निकल के आया, ये एक्स निकल के आया है, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया होता है वन बाई टू बेस इंटू आर। तो वन बाई टू बेस बोले तो टू टी, हाइट बोले तो सी स्क्वायर बाई टी, तो टी से टी कैंसिल, टू से टी कैंसिल बराबर टू सी स्क्वायर। तो कर्व में सी हमको दिया था, हमने अपनी तरफ से नहीं माना है, तो ये एरिया हो गया कांस्टेंट। नोट करिए, हम और क्वेश्चन लेते। चलो एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड ऑल टेंजेंट टू द कर्व दिस विच आर पैरेलल टू दिस, विच आर पैरेलल टू दिस। तो यहाँ से मेरी जो स्लोप आएगी वो आएगी माइनस हाफ के इक्वल। तो चलो वाई डैश निकालते हैं, तो यहाँ से आएगा वाई डैश बराबर कॉस का हो जाएगा साइन माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और ब्रैकेट में आएगा वन प्लस वाई डैस। वाई डैस इधर लाके आप कॉमन लीजिए तो ये आएगा वन प्लस साइन एक्स प्लस वाई, और बराबर में कितना रहेगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई। चलो तो यहाँ से वाई डैस की वैल्यू कितनी आएगी, वाई डैस की वैल्यू आएगी माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन वन प्लस साइन एक्स प्लस वाई। अब ये वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए, माइनस हाफ के, क्योंकि मुझे उस पॉइंट ऑफ पर निकालनी है जहाँ पर ये माइनस हाफ के इक्वल है। क्लियर है? तो माइनस माइनस इन दोनों को थोड़ा गौर से देखिए, अगर साइन की वैल्यू वन हो तभी ये पॉसिबल है, मतलब इट इज पॉसिबल वेन एक्स प्लस वाई बराबर वन। आप चाहे तो रख के देख लीजिए, हिट एंड ट्रायल से निकल के आएगा, मतलब जो एक्स प्लस वाई है वो पाई बाई टू होना चाहिए। एक्स प्लस वाई है वो कितना होना चाहिए, पाई बाई टू होना चाहिए। तो ऊपर से वाई बराबर कितना है, वाई बराबर है कॉस एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया कॉस पाई बाई टू, तो वाई बराबर कितना आ गया जीरो, तो एक्स बराबर कितना हो गया पाई बाई टू। चलो तो क्या बोला है, फाइंड टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या आएगी, टेंजेंट आएगी वाई माइनस जीरो बराबर एम कितना है माइनस हाफ, और एक्स की वैल्यू एक्स माइनस पाई बाई टू। क्लियर है? समझ में आ गया? नोट करो अगला क्वेश्चन। चलो हमने दो क्वेश्चंस लिए हैं, देखते हैं इनको। y बराबर समथिंग एट 1,2 इज पैरेलल टू द नॉर्मल -2,2 ऑन कर्व दिस, मतलब इस लाइन की टेंजेंट 1,2 पर और इस लाइन की नॉर्मल दोनों पैरेलल है। ठीक है? चलो तो हम इसके लिए पहले बात कर लेते हैं। इसके लिए 1,2, तो पहले 2 बराबर a मैंने 1,2 पुट किया है प्लस b प्लस 7/2। तो यहाँ से सबसे पहले इक्वेशन बनेगी a प्लस b बराबर -3/2, 2 -7/2 बोले तो -3/2, इक्वेशन नंबर ए, क्योंकि जो पॉइंट है वो कर्व पर लाई करेगा। दूसरी बात, जो m आएगा, m बोले तो dy/dx, वो निकल के आएगा 2ax + b at 1,2। तो जो m निकल के आएगा यहाँ से
वन कॉमा टू अगर मैं रख दूं तो वन कॉमा टू पर ये आएगा टू ए प्लस बी। क्लियर है? चलो अब इसकी टेंजेंट की बात करें तो यहाँ से एम बराबर निकालें इसकी नॉर्मल, तो नॉर्मल पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं तो ये आएगा टू एक्स प्लस सिक्स, तो टू एक्स प्लस सिक्स का मतलब हो गया माइनस फोर प्लस सिक्स बोले तो दो, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो इसकी आएगी वो आएगी माइनस हाफ। तो बेसिकली क्या है, टू ए प्लस बी बराबर आ गया माइनस हाफ। एक इक्वेशन हमें दे रखी है ए प्लस बी बराबर माइनस थ्री बाई टू। क्लियर है? अगर एक दूसरे में से माइनस या प्लस का साइन हो जाएगा तो इसे सॉल्व करें तो एक तो बचेगा ए बराबर प्लस थ्री बाई टू, तो ए बराबर वन, और सॉल्व करने के बाद जो बी है वो आ जाएगा माइनस फाइव बाई टू। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, आप नोट कर लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बोले कि इसकी जो टेंजेंट है जहाँ कर्व इन दोनों लाइनों को कट करता है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल, मतलब मान लो ये कोई ऐसा कर्व है और एक लाइन मान लो ये रही है दूसरी लाइन ये रही, तो यहाँ पर जो लाइन है यहाँ पर जो टेंजेंट आएगी वो पैरेलल होगी, यहाँ पर जो टेंजेंट आएगी वो पैरेलल टू एक्सिस होगी, ऐसा कुछ बताना है। तो चलो पहले इसका डीवाई ओवर डीएक्स निकालते हैं, तो कितना आएगा, वो आएगा सिक्स एक्स सॉल्यूशन। तो डीवाई ओवर डीएक्स आएगा सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स वाई डैश प्लस फोर वाई प्लस टेन वाई वाई डैश बराबर जीरो। तो यहाँ से वाई डैश के अंदर कितना आ जाएगा, दो मैंने कॉमन लेके पूरा कट कर देता हूँ, तो ये बचेगा टू एक्स प्लस फाइव वाई बराबर कितना आएगा, माइनस का टू कैंसिल कर दिया पहले तो थ्री एक्स प्लस टू वाई, तो यहाँ से हमारे वाई डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ऑफ, ये ब्रैकेट के अंदर है, माइनस ऑफ थ्री एक्स प्लस टू वाई अपॉन टू एक्स प्लस वाई। क्लियर है? चलो अब हमें बोला गया था हम उस पॉइंट पर बात करो जहाँ थ्री एक्स प्लस टू वाई लाइन कर्व को कट करेगी, पॉइंट कर्व इंटरसेक्ट बाई द लाइन दिस एंड दिस, तो जहां पर ये वैन कर्व कट थ्री एक्स प्लस टू वाई, तो वहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो होगी कि नहीं होगी, तो वाई डैश बराबर आ जाएगा जीरो। तो जो हमारी वाई डैश अगर जीरो आ जाता है तो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो वाई डैश बराबर जीरो, तो तुम्हारी जो कर्व होगा वो एक्स पर, अच्छा इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, वैसे जीरो कॉमा जीरो आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ चलो, तो थ्री एक्स माइनस टू वाई, तो स्पॉट की स्लोप कितनी हो जाएगी जीरो, तो मतलब वाई डैश बराबर जीरो का मतलब इक्वेशन बनेगी वाई डैश बराबर जीरो वाई बराबर वाई वन, तो हम बोल सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है? चलो पहला केस, केस टू, वैन कट कर्व कट टू एक्स प्लस फाइव बाई बराबर जीरो। ठीक है, तो वहाँ पर जो वाई डैश है वो क्या बनेगा, माइनस इन्फाइनेट के करीब आएगा, माइनस इन्फाइनेट बनेगा क्योंकि यहाँ पर नीचे की चीज़ जीरो हो रही है, तो मतलब इसके जो इक्वेशन आएगी वो एक्स बराबर एक्स वन आएगी, क्योंकि आप जानते हो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो इन नोट। तो हमने एक और क्वेश्चन लिया है, द कर्व दिस टच द एक्स एक्सिस माइनस टू कॉमा जीरो। अब सिचुएशन को बता देता हूँ, मान लो कोई कर्व है जो माइनस टू कॉमा जीरो पे से टच करते हुए जा रहा है और क्यू को क्यू पॉइंट पे से कट कर रहा है, और जो क्यू पॉइंट है उस पर जो क्यू पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसके लिए एम थ्री है, ऐसा हमें दिया है। कोई भी कर्व हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्यूबिक है तो वो ऐसे करके ऐसे भी हो सकता है, जो भी है। तो हमें पहले बोला गया माइनस टू कॉमा जीरो पर टच कर रहा है, तो माइनस टू कॉमा जीरो पुट किया तो जीरो बराबर यहाँ से आएगा माइनस एट ए प्लस फोर बी माइनस टू सी प्लस फाइव, दिस इज द इक्वेशन नंबर ए। अब ये माइनस टू कॉमा जीरो को टच कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस कितना है जीरो, तो लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स एट डी वाई ओवर डी एक्स एट माइनस टू कॉमा जीरो बराबर जीरो। तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालो तो वो आएगा थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इसमें अगर मैं पुट कर दूँ माइनस टू तो ये आ जाएगा ट्वेल्व ए माइनस टू बी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस फोर बी
प्लस सी बराबर जीरो प्लस सी बराबर जीरो। तो इक्वेशन वन वहाँ नाम दिया था, इक्वेशन टू हम इसको नाम देंगे, लिखोगे एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू। क्यू पॉइंट है मतलब वो एक्स वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे एक्स कितना होता है जीरो। अगर मैं पूरे में एक्स की वैल्यू जीरो डाल दूँ तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, फाइव। तो मेरे जो वाई डैश है एट जीरो कॉमा फाइव, वो मेरे को बोला गया है कि ये तीन के बराबर है। तो वाई डैश की वैल्यू निकालते कितनी आएगी, वाई डैश की वैल्यू आएगी थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी एट जीरो कॉमा फाइव इक्वल टू थ्री। तो यहाँ से जीरो कॉमा फाइव इसमें डालिए तो जीरो कॉमा फाइव, तो यहाँ से आ जाएगा सी बराबर थ्री। वाई की मुझे ज़रूरत ही भी नहीं पड़ेगी, एक्स को जीरो डाला तो सी बराबर आ गया थ्री। तो आपके पास एक वैल्यू हो गई सी बराबर थ्री, जिन्हें हम ऊपर नीचे यूज कर सकते हैं। तो ऊपर आएगा एट ए माइनस फोर बी बराबर, सी की वैल्यू मैंने थ्री डाल रखी है तो माइनस सिक्स प्लस फाइव, तो माइनस सिक्स प्लस फाइव बोले तो माइनस वन, जिसे मैं इक्वेशन थ्री नाम दे सकता हूँ, जो कि यहाँ से आई है। जब मैं इसमें एक्स की वैल्यू थ्री डालूंगा तो ये आएगी ट्वेल्व ए माइनस फोर बी बराबर माइनस सी बोले तो माइनस थ्री, इक्वेशन नंबर फोर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये कैंसिल हो गया तो ये आएगा माइनस फोर ए बराबर प्लस का थ्री माइनस का वन बोले तो दो बचेगा, ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी माइनस हाफ। ए की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, और आप बी की वैल्यू खुद से निकाल सकते हैं, नोट करिए। चलो क्वेश्चन दिया है कि कोई वाई बराबर साइन एक्स कर्व है, इसके अगर ओरिजिन पर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द कर्व दिस, प्रूव दैट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी विल लाई ऑन दिस कर्व। तो मान लो ये, मान लो इस तरह से, ये मान लो ये कर्व, इसको ये टेंजेंट इस तरह जाती है और ये एक्स वन कम वाई वन पर टेंजेंसी है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो मान लो जिस पे कोई जनरल पॉइंट है लाइन पर एक्स वन कम वाई वन, ठीक है। तो इस तरह किस तरह से जीरो कम जीरो पे बात कर रहे हैं, तो पहले हमने एक्स वन कम वाई वन अगर कर्व पर लाई कर रहा है तो ये आएगा वाई वन बराबर साइन एक्स वन, क्लियर है, दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। दूसरा मैं स्लोप की बात करूं तो दूसरा अगर मैं बात करूं कि डी वाई ओवर डी एक्स कितना आएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स आएगा इसका कॉस एक्स वन, एक्स वन वाई वन पर जो टेंजेंट है कॉस एक्स वन। डी वाई ओवर डी एक्स कितना आएगा कॉस एक्स वन, मैं एक्स वन को मैं वाई वन पर मैंने स्लोप निकाली तो वो कितना आया कॉस एक्स वन स्लोप आया, ठीक है। तो मैं इसका अगर क्वेश्चन निकालूँ तो क्या आएगा वाई डी वाई ओवर डी एक्स कितना आया कॉस एक्स वन, क्लियर है। तो डी वाई ओवर डी एक्स आया कॉस एक्स वन। अच्छा इस लाइन की स्लोप हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वाई वन माइनस जीरो अपॉन एक्स वन माइनस जीरो, कहाँ से वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन से। अब हम एक चीज जानते हैं कि अगर कॉस स्क्वायर एक्स वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन कितना होगा वन, जब भी ट्रिग्नोमेट्री बीच में आए साइन कॉस को रिमूव करना है तो सबसे बेटर तरीका कॉस स्क्वायर डीटा प्लस साइन स्क्वायर डीटा बराबर वन। तो कॉस स्क्वायर डीटा की वैल्यू कितनी आएगी y1 वन स्क्वायर अपॉन एक्स वन स्क्वायर, साइन स्क्वायर डीटा की वैल्यू y1 वन स्क्वायर बराबर वन। तो यहाँ से आ जाएगा y1 वन स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर बराबर एक्स वन स्क्वायर। अब x1 वन वाई वन हमने अपनी तरफ से माना है, एक तरह से लोकस है, तो आप इसे जनरल पॉइंट मान लीजिए। तो जनरल पॉइंट से आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बोलो ऑल पॉइंट ऑफ द पैराबोला दिस टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो पहले सबसे पहले वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स प्लस ए साइन एक्स वाई, इसे नीचे लेके आइए। बोला कि टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, मतलब वाई डैश कैसा है जीरो है, तो ये आएगा टू वाई वाई डैश बराबर फोर ए, एक्स का डिफरेंशिएशन वन प्लस
ए से ए कैंसिल हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स आई। तो अगर मैं इस पर 2 वाई का डिवाइड भी कर दूं तो ये कितना होना चाहिए, 0। तो ना तो वाई को हम 0 बोल सकते, ना 4a को 0 बोल सकते। तो मतलब क्या कि 1 प्लस कॉस xy ये कितना होगा, 0 होगा उन सारे पॉइंटों के लिए जहां पर ये 0 के बराबर। कॉस एक्स वाई ये कितना होगा, -1। अब आप एक बात बताइए, अगर कॉस -1 के बराबर है तो साइन एक्स वाई ये कितने के बराबर होगा, तो ये बराबर होगा 0 के। इसे कर्म में पुट कर दो तो वाई स्क्वायर बराबर 4a ब्रैकेट में आएगा एक्स की जगह एक्स प्लस 0। तो ये पूरा कर्व वाई स्क्वायर बराबर 4। तो ऐसे पॉइंट जिनके लिए टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरल है उनका लोकस हो गया वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ओके, थैंक यू।